जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के आशा नंदपुर निवासी बीडीसी पति को रविवार की सायंकाल क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद पर मनचाहा मत नहीं देने पर सिमुही बाजार में दबंगों ने बीडीसी पति की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से बाजार में दहशत मच गई। दबंगों ने बीडीसी पति को अपहरण करने का भी प्रयास किया, लेकिन बाजार वालों ने एकजुट होकर दबंगों को ललकारा, जिससे वो उसे छोड़कर भाग गए। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। रामपुर विकास खंड के ग्राम सभा आशानंदपुर निवासी राजेश श्रीवास्तव का सिमुही बाजार में एक दुकान है। रविवार को राजेश श्रीवास्तव अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। आरोप है कि रविवार सायंकाल 4-5 की संख्या में कुछ स्कॉर्पियो में दबंग सवार होकर आए और दुकान पर पहुंचते ही उनको बुलाकर जमकर मारा पीटा। जब वो भागकर दुकान के अंदर जाने लगे तो उनको जबरदस्ती स्कॉर्पियो में बैठाने लगे। तभी बाजारवासी विरोध करने लगे और ललकारते हुए दुकानदार दबंगों की ओर बढ़े। दुकानदारों ने एक साथ जुटते हुए सभी दबंग भाग गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक नामजद व 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धारा की मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर रहे हैं। इस बाबत थानाध्यक्ष रामपुर विजय शंकर सिंह ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दबंगों की तलाश जारी है। जी, क्या नाम है आपका? राजेश श्रीवास्तव। जी, आप क्या हैं? बीडीसी। अच्छा, आप बीडीसी हैं। क्या मामला था कल? कितने लोग आए थे और क्या समझ रहे? लगभग 4-5 बजे। जी, 4 लोग थे। जी, 4 लोग आए थे। तो क्या बोले आपसे? एक ब्लॉक प्रमुख रंजीत खादर वोट दीजिए हमको बाहर, इसलिए वोट नहीं दिए, कट्टा दिखा दिए। अच्छा, मारे पीटे भी हैं आप? हाँ, मारे पीटे भी। अच्छा, किस गाड़ी से थे वो लोग? स्कॉर्पियो। कौन सी कलर की थी? ब्लैक। उसमें साहब किसी को पहचानते भी हैं? निहाला से। अच्छा, एक को पहचानते हैं, बाकी और किसी को नहीं? तो क्या आपसे मतलब कि पहुंच के क्या कहे, पहले क्या मामला था, पहुंचने के बाद क्या बोले? पहुंचने के बाद यही गाली गलौज देने लगे। अच्छा जी, बस यही बात है। गाली गलौज के बाद और उनको बाहर खींचने लगे। अच्छा, दुकान से बाहर निकले। अच्छा, कट्टा दिखाने लगे, तब फिर पब्लिक जुट गया, भाग गई। अच्छा, पब्लिक आने पर भाग गया। क्या नाम है आपका? अभिनव श्रीवास्तव। अमन श्रीवास्तव। अमन श्रीवास्तव। क्या मामला था? मामला यही है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था जी। दो पार्टी खड़े थे, राजेश सिंह, राहुल सिंह जी। हमारा मन था कि हम राजेश सिंह को वोट देंगे जी। और राहुल सिंह का जो पार्टी थी जिसमें एक निहाला सिंह उनके सपोर्टर थे जी। तो उनके अगेंस्ट जाने पे जी। वो कल आए, पहले हमारे बड़े पापा चन्नू लाला को वो खोज रहे थे मारने पीटने के लिए, रामपुर से ही पता चला हमें जी। लेकिन हमारे पापा यहाँ नहीं थे जी। तो अकेले पापा को पाने पे हम लोग भी अंदर थे घर में जी। तो पापा को पकड़े, यहाँ से खींच लाए, उसके 3-4 लोग आए, गन पॉइंट पैसे दिखा दिए, काहे वोट नहीं दिया, काहे वोट नहीं दिया, कुंडई द्वार निकाल दिए, वैसे वैसे सब तुरंत गए। हम लोग पकड़े, जैसे ही तुरंत सब भाग गए, जैसे जनता जुटा सब भाग गए। पापा को यहाँ पे स्क्रैच लग गया था। अच्छा, मारपीट। हाँ, मारपीट में स्क्रैच लगा था। पापा को कॉलर पकड़ के वहाँ से खींच ले गए थे। मौके पर ना पहुँचे होते तो शायद पापा को लेके जाते। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय प्रकाश श्रीवास्तव, पूर्व छन्नू लाला। कौन सा गाँव? आशानंदपुर। क्या मामला था? ये बीडीसी का मामला था। हाँ, हमने वोट नहीं दिया उनको। आप बीडीसी के क्या लगते हैं? बड़े भाई। बड़े भाई जी। हमको धमकियां मिल रही है जी, जहाँ मिलेंगे गोली मार दूंगा आपको। अच्छा, धमकी आपको मिल रही है। हाँ, और हमारी जान की रक्षा मतलब बचाया जाए, कभी हमको कहीं भी गोली मार सकते हैं। अच्छा, धमकी कहाँ से आती है? निहाला से। अच्छा, वो लोग देते हैं। हाँ, वो किसके समर्थक थे? राहुल सिंह के। अच्छा, राहुल सिंह जो प्रमुख पद के प्रत्याशी। ठीक। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। ये क्या मामला था कल, क्या घटना थी? घटना, ये लोग 4 दिन आए यहाँ पर। किस चीज से थे? कार से। अच्छा, ब्लैक कलर की कार थी जी, स्कॉर्पियो। और यहाँ पर एक दो जन बात करते करते दो जन अंदर घुस के। हाँ, और फिर कुछ दूर पे ही थे, हम लोग को उतना सुन नहीं पाए। फिर बाताकृति करते करते हाथापाई करना चालू कर दी। अच्छा, अंदर ही। और फिर ये लोग यहाँ से फरार हो गए। कारण क्या हो सकता है, किस कारण से वो लोग आए थे? कारण यही है, ब्लॉक प्रमुखी का है। अच्छा, ब्लॉक प्रमुखी चुनाव को लेकर। हाँ, उसी बस रंजीश बस चुनाव। हाँ, रंजीश बस, मतलब इनके पक्ष में न जाने पर जी
और कैंडिडेट बीडीसी को जबरदस्ती प्रताड़ना देने का इन लोगों का काम था।